तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे पी ऑडियो 15BM 400B स्पीकर का प्राइस। यहाँ पर हम जानेंगे इसके बारे में डिटेल्स, इन्फॉर्मेशन कि कितने वाटेज का यहाँ पर जो है एम्पलीफायर हम लगा सकते हैं। तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर एक पेयर आप चलाते हैं तो कितने वाट का एम्पलीफायर यहाँ पर लगने वाला है, छोटा सा एम्पलीफायर। और यहाँ पर हम जानेंगे इसका प्राइस, जिसके बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक और आप देख रहे हैं डीजीरोक चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ से हम बात करें स्पीकर के ऊपर से, तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसके पावर रेटिंग के बारे में। तो यहाँ पर 400 वाट का AES पावर आपको मिल जाता है। स्पीकर जो है आपको 8 ओम में आपको स्पीकर मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर 40 हर्ट्ज से 3000 हर्ट्ज तक आपको काम करेगा फ्रीक्वेंसी रेंज। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है आपका 40 हर्ट्ज से 3000 हर्ट्ज तक आप यहाँ पर इसको रन करवा सकते हैं। यहाँ पर जो चेचिस है वो आपको एल्युमिनियम के मिल जाता है। मैग्नेट जो है आपका फ्राइट मैग्नेट में आपको देखने को मिल जाएगा। जिसका कोन मटेरियल है वो आपको मिल जाएगा पेपर का। यहाँ पर जो है इसका कोइल, मतलब कि वॉइस कोइल, वो आपका 3 इंच का यहाँ पर वॉइस कोइल यूज़ किया गया है। इसके वेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर 8.1 kg, मतलब कि 8 किलो 100 ग्राम यहाँ पर जो है स्पीकर का वेट हो जाता है। चलिए अब इसके बारे में और भी कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जान लें। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जैसे कि इसका जो पीक पावर हैंडलिंग होता है वो होता है इसका 1600 वाट। तो इसका 1600 वाट ये होता है कि मतलब इसका क्षमता जो है, अगर आप इसमें 1000 वाट भी अगर आप दे देते हैं एक स्पीकर पर, तो ये है जो जल्दी उड़ेगा नहीं। तो ये होता है इसका पीक पावर, यहाँ पर पीक पावर हैंडलिंग। तो यहाँ पर 1600 वाट को आप मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो यहाँ पर इसका प्राइस जो है काफ़ी अच्छा प्राइस में आपको मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर लगभग लगभग मार्केट में आपको 5000 लगभग अप्रोक्स प्राइस में मिल जाएंगे। प्राइस जो है ऊपर नीचे हो सकता है, सभी मार्केट में अलग अलग प्राइस होते रहते हैं, तो ये आपके मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप मार्केट में पता कर लीजिएगा कितना इसका प्राइस है। तो स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4900 आपको प्राइस जो है अभी दिख रहा होगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक अप्रोक्स प्राइस बता रहा हूँ, जो कि 5000 या 5500 आपको पड़ सकता है, ये आपके मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए बात करते हैं कि इसका जो एक पेयर हमें चलाना हो तो हम इसके लिए कौन सा एम्पलीफायर लें, मतलब कि कितने वाट का एम्पलीफायर लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि एक पेयर हमें चलाने के लिए कितने वाट का एम्पलीफायर लगाना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं आपको बता दूँ, 400+400 वाट के 2 स्पीकर हमारे हो जाते हैं एक पेयर में, जो कि 800 वाट के बन जाते हैं 4 ओम लोड में। और यहाँ पर जो है HF भी लगभग हमारा जो है 80 वाट या फिर 100 वाट के हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है लगभग लगभग 900 वाट का जो है पेयर बन जाता है। तो यहाँ पर 900 वाट का पेयर बन जाता है, तो यहाँ पर हम जो है 600 वाट या फिर 700 वाट का एक एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए होगा 700 वाट का एम्पलीफायर। तो एक छोटा सा एम्पलीफायर आप इसमें लगा सकते हैं 700 वाट का, और यहाँ पर जो है 4 ओम में आप कनेक्ट करके इस स्पीकर या फिर एक पेयर को आप इजीली वर्क करा सकते हैं और रन करवा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा साउंड आपको देखने को मिल जाएगा, सुनने को मिल जाएगा, जो कि क्वालिटी भी है अच्छा आएगा। तो इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश किया 15BM 400B के बारे में कि इसका प्राइस क्या होगा, स्पेसिफिकेशन क्या होगा, इसमें कितने वाटेज का एम्पलीफायर लगेगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और शेयर करिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। चैनल में अगर अभी तक नया है तो नीचे जाके सब्सक्राइब करिए लाल रंग के बटन को, और पास में आए हुए घंटी को भी एक बार प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी वीडियो ऐसा डालूँ, अपलोड करूँ इस चैनल में, तो आपके जो मोबाइल है उसमें जो है नोटिफिकेशन मिल सके और सबसे पहले आप जो है वीडियो देख पाए। तो चलिए मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।